व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में क्या होगा आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे, यानी कि हम आज ग्रो करेंगे स्नेक प्लांट्स की कटिंग्स। तो उसके लिए हमें लगेंगे कुछ स्नेक प्लांट्स की कटिंग। तो आप वीडियो में आगे देखिए क्या होता है, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमने कटिंग ली है स्नेक प्लांट की, आप देख सकते हैं। और अब इस कटिंग को हम कट करेंगे। हमें ये 5 से 6 इंच की रखनी है एक कटिंग। हमने देखिए कुछ इस तरीके का कट किया है। ये हमारा सबसे नीचे से लेके सबसे ऊपर का भी हमारे इस्तेमाल में आता है, और ये ऊपर का कुछ कीड़ों ने खा लिया था इसलिए हमने इसे कट कर दिया। तो हम पूरा कट कर देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, हमने कुछ इस तरीके की कटिंग कर ली है, सारी कटिंग हमने कर ली है। अब बात आ जाती है बहुत सोच के करने की, और बहुत मुश्किल भी होता है किसी किसी के लिए, वैसे तो बहुत आसान बात है ये। तो आप ये देखिए, ये है नीचे की साइड और ये है ऊपर की साइड। तो आपको नीचे की साइड को ही ज़मीन में डालना, ज़मीन बोलिए या गमला वगैरह। तो आप अगर इसे ऊपर की साइड डाल देंगे तो एक भी चांस नहीं होता है आपका इस प्लांट को ग्रो करने का। तो हम आपको बताते हैं इसे कैसे लगाएंगे, चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली, तो हमें एक वक्त फिर से देखना है और इसे अच्छे से लगाना है। और अभी यहाँ की सॉइल में हमने पानी नहीं दिया है, इसलिए ये आपको ऐसी लग रही है। अब हम अगला जो हमारी कटिंग लगाएंगे तो वो इसके इतना दूर रहना चाहिए, कम से कम 4 इंच, ताकि जो उसकी रूट्स निकलेंगी वो आसानी से निकल सके। तो गाइस, हमने ऐसा ऐसे लगा लिया है और अगला कुछ यहाँ पर लगाएंगे। तो आप देखिए हमने कैसे सब लगा लिया है, और आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अभी आप इसमें वाटरिंग भी कर दीजिए। तो गाइस, इसे टाइम लगता है इसकी रूट्स निकलने के लिए, और जब इसकी रूट्स निकलती है हमें ऊपर से कुछ समझ में नहीं आता रूट्स निकली है या नहीं निकली है, तो आप इसे निकाल कर मत फेंकिए। अगर ये पूरा सूख जाए तभी आप इसे निकाल के फेंकिए। इसे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। जैसे हमारा ये हमें कोई अपडेट मिलता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।